दोस्तों हमारे जो युवा किसान भाई हैं वो बार बार एक सवाल पूछते हैं कि भैया हमें ज्यादा इनकम वाली खेती के बारे में बताओ। तो आज मैं आप लोगों को 16 से 17 प्रकार की ऐसी खेती के बारे में बताऊंगा जिसके अंदर आप अच्छी इनकम हासिल कर सकते हैं। वैसे आपको बता दूं कि इनकम जो है वो मेन डिपेंड करती है कि आप किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करते हैं। ये पूरी की पूरी दुनिया जो है इसका पूरा का पूरा ट्रेड जो है वो मार्केटिंग के ऊपर खड़ा है। खैर मैं आपको आज 15 से 16 प्रकार की ऐसी खेती के बारे में बताऊंगा जिसके अंदर आप बहुत अच्छी इनकम हासिल कर सकते हैं। खैर वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और ऑल के ऊपर क्लिक कर लें। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि मशरूम को एक नंबर पर रखा जाता है क्योंकि मशरूम दुनिया की एकमात्र ऐसी खेती है जो बहुत कम दाम में हो सकती है और बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है आप उसमें कमा सकते हैं। इसी के साथ आप मेडिसिनल प्लांट की जो खेती है उसके अंदर बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं, लेकिन वहां पे मार्केटिंग की बहुत जरूरत होती है। मेडिसिनल प्लांट के कई वीडियोस हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे, मैं यहाँ पे थंबनेल देता रहूंगा तो आप सभी प्रकार की वीडियो हमारे यहाँ देख सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि मेडिसिनल प्लांट में बहुत ज्यादा मार्केटिंग जो है वो चाहिए होती है। इसी के साथ आप बी कीपिंग कर सकते हैं और वो भी फ्लावरिंग के साथ, लेकिन इसे कीजिएगा पॉली हाउस के अंदर क्योंकि मधुमक्खी केवल शहद नहीं देती, शहद देती है तो आपको कमाई कम होती है। शहद के साथ पोलन ग्रेन भी आपको बेचना होता है, वैक्स भी बेचना होता है, रॉयल जेली भी बेचनी होती है और वेनम निकलता है जो वो भी बेचना होता है। और ये सब चीजें जो है इसीलिए पोली हाउस में की जाती हैं ताकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी निकल सके। इसी के बाद आता है नाम पोल्ट्री फार्मिंग का, लेकिन पोल्ट्री फार्मिंग को आज आप समझना चाहते हैं तो आप जाइए एक बार अपने किसी भी आसपास की अंडे वाली रेडी के पास, उसे कहिएगा एक ट्रे अंडे दे दो मुझे, तो वो जो आपको पोल्ट्री फार्मिंग से आए हुए अंडे हैं जो पुराने अपने नॉर्मल पोल्ट्री फार्म चलते हैं उनके अंडे 180 या 200 रुपए की ट्रे देगा। लेकिन वहीं आप उसे कहना कि मुझे ओपन रेंज फार्मिंग में पले हुए देसी मुर्गों की चाहिए तो वो 480 से 500 रुपए का जो है एक ट्रे देगा। तो ये जो 300 रुपए का डिफरेंस है ये आपको पूरा का पूरा सही करना है और इसके लिए आपको पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर ओपन रेंज फार्मिंग की ओर जाना है। इसी के साथ आप डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं, चाहे बफलो हो चाहे काउ हो। इसके अंदर एक चीज समझ के चलिए दोस्तों कि डेयरी फार्मिंग में भारत में ज्यादा बफलो कामयाब हुई है और इसी के साथ आप ये भी मान के चलिए कि भारत अपने यहाँ का जो दूध है उसे अपने लोगों के लिए पूरा नहीं कर पा रहा, इसीलिए बहुत बड़ी मात्रा में दूध की खपत है और ये खपत आने वाले 20-25 साल लगातार रहने वाली है। इसी के साथ आप ड्राई फ्लावर की खेती कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या है, ड्राई फ्लावर की फार्मिंग नहीं कहनी चाहिए, इसको ड्राई फ्लावर बिजनेस कहना चाहिए क्योंकि फूल जो है बहुत प्रकार के फूल होते हैं जिन्हें आपको सुखाना होता है और सुखाने का एक तरीका है, ऐसा नहीं कि धूप में खुले में सुखा दिया। आपको एक ट्रे लगानी है, ट्रे के दोनों साइड में आपको एडजस्ट फैन लगाने हैं जो उसके अंदर ट्यूमस को निकालें और उस ट्रे के अंदर फ्लावर रख के उसके ऊपर मिरर रखना है ताकि वो मिरर उस ट्रे के अंदर जो है गर्मी पैदा करे और फिर वो फ्लावर सूखे। ऐसे फ्लावर जो है वो एक्सपोर्ट के काम आते हैं और बहुत अच्छी मार्केट जो है इनकी है। इसी के साथ आप वर्मी कंपोस्ट, वर्मी सिल, जैव रस, जैव रसायन, इस तरह के फर्टिलाइजर जो है ऑर्गेनिक वो भी तैयार कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक की दुनिया बहुत कामयाब हो रही है, जितने बड़े शहर हैं वहां पे अगर किसी भी व्यक्ति की एक बीघा आधा बीघा जमीन है या फिर किसी के पास बड़े प्लाट हैं वो लोग वहां पे हाइड्रोपोनिक खेती कर रहे हैं और बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक, एक्वापोनिक, ये सब जानने के लिए आपको हमारी जो वीडियो है वो देखनी होगी। इसी के साथ दोस्तों है गोट फार्मिंग यानी बकरी पालन। बकरी पालन के अंदर कुर्बानी बकरों को अलग पाला जाता है और इसी के साथ नॉर्मल बकरी के फार्म अलग चलाए जाते हैं। इसी के साथ जो आप देखेंगे कि बर्बरी नस्ल की बकरियों के अलग चलाए जाते हैं, बीटल के अलग चलाए जाते हैं, दूध देने से लेकर मरने तक मांस मछली मांस बिकने तक आप उसे जो है बेच सकते हैं। इसी के साथ आप देखेंगे कि स्पाइस जो है मसाले उनकी खेती नहीं उनकी प्रोसेसिंग का बिजनेस जो है बहुत बढ़िया है और ये भी आप लोग कर सकते हैं क्योंकि मसाले जो है वो दक्षिण भारत में होते हैं लेकिन अगर आप उत्तर भारत के हैं तो उसकी खेती तो नहीं कर पाएंगे। हालांकि घर पे लगाना हो तो हमारी वीडियोस देख लेना कि कैसे लगाया जाएगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि मसालों की जो प्रोसेसिंग है ये बिजनेस बहुत बढ़िया है। ट्री फार्मिंग जिसमें महागुनी के पौधे लगा सकते हो, चंदन के पौधे लगा सकते हो, ये थोड़े लॉन्ग टर्म है, 10-12 साल इंतजार करना पड़ता है लेकिन एक FD के माफिक एक जो है काम करता है। इसी के साथ आप फिश फार्मिंग कर सकते हैं जिसके अंदर आप झींगा को भी यूज कर सकते हैं, राहू, कतला, पर्ल, ये बहुत प्रकार की मछलियां हैं, इनको आप जो है पाल सकते हैं। इसी के साथ आप ये मान के चलिए कि लेवेंडर का जो पिछला साल था इसमें लेवेंडर जो है उसका काफी इस्तेमाल हुआ तो लेवेंडर को आगे आप परस्यू भी कर सकते हैं। लेवेंडर को पूरा समझने के लिए हमारी वीडियो देख लेना। टी जो है यानी चाय की प्रोसेसिंग आप कर सकते हैं। इसी के साथ आप जो चाय की खेती जहां पे होती है वहां पर जाकर वहां के बाग के ठेके ले सकते हैं और उसके बाद में क्या होता है, चाय के जो बाग होते हैं उनके ठेके लगते हैं
और वहां पे आप अपने हिसाब से कई प्रकार की चाय वहां से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा सफेद पत्ती वाली चाय भी होती है, उसके प्लांट अलग नहीं होते लेकिन छोटी छोटी उपल जो होती है पौधे के ऊपर की उनको तोड़ा जाता है, तो वो सब आप प्रोसेसिंग करके भी कर सकते हैं। क्रैब यानी केकड़ा का बहुत बड़ा बाजार है, और केकड़ा जो है लगभग केकड़ा भारत से एक्सपोर्ट होता है। इसी के साथ हेलिक्सी कल्चर जो है यानी स्नेल फार्मिंग जिसे बोल देते हैं, उसका बहुत बढ़िया काम है। इसी के साथ वेजिटेबल जिसके अंदर ग्रीनरी वेजिटेबल है जो खासतौर पे इन्हें आपको उगाना चाहिए, और इसी के साथ जो है आप बैम्बू नेशनल मिशन भी चल रहा है और बैम्बू यानी बांस की जो खेती है ये कर सकते हैं। बांस बहुत प्रकार का है, बांस के ऊपर मैंने पूरे विस्तार से जो है ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। इस वीडियो में से कुछ 4-5 वीडियो मैं यहाँ दे देता हूँ, बाकी आप हमारे चैनल पर जाके देखिएगा। आपको मैं एक बात बताऊँ, फार्मिंग को कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस है, बस आपको फार्मिंग को फार्मिंग के तरीके से नहीं बिजनेस के तरीके से जो है करना है। देखते रहिए ABC इंडिया।